हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं पोहा बना रही हूँ और ये मैंने सब तैयारी कर ली है। बस मैं झटपट वाला पोहा बनाऊँगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज प्रखर का बर्थडे है तो वहाँ पे जाना है, तो हम लोग जाएंगे। और बाकी देखिए, वहाँ पे जाकर मैं शूट करूँगी क्या है और कैसे है। मैं यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है इसलिए मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। और आपको कैसे लगती है ब्लैक कॉफ़ी मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गर्मा गर्म पोहा तैयार है, आप भी खाइए और फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको खिलाइए। हाय हाय एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मेरी आइज कब खुलेगी? क्या आपको पता है, मम्मा ने तो कहा है कि मेरी आइज 15 डेज के बाद खुलेगी, क्योंकि मैं नन्हा बच्चा हूँ, मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, मैं मम्मी का लाडला बच्चा हूँ, मैं खूब दूध पीता हूँ और खूब मस्तियाँ करता हूँ, मैं प्यारा बच्चा हूँ। आप लोगों को किसी, फ्रेंड्स को किसी, फ्रेंड्स को किसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग प्रखर के बर्थडे में आ गए हैं और यहाँ पे सब डेकोरेशन थोड़ा मोड़ा कुछ बाकी था तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ लोहड़ी है, समझे? प्रखर को यहाँ पे खड़ा करके कुछ करो। मैंने फोटो क्लिक किया था और ये बहुत ज्यादा आज हैप्पी था, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था। ये इसकी बड़ी मम्मा है, वो बड़ी मम्मा की बहन है। ये घर का डेकोरेशन, ये देखिए प्रखर के बर्थडे में है और ये सीमा दीदी है, ये शिखा दीदी है, इनको लड़के वाले देखने आए हैं। जैसे भी कोई सुशील लड़का हो तो मुझे जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए। ये देखिए, ये प्यारा बच्चा है, ये हमारी बिचौली वाली है, ये सारे रिश्ते मैनेज करेंगी। और ये सौम्या है काफी मेहनत करते हुए। यहाँ सब बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ डेकोरेशन हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब सब लोग साथ में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। शिखा दीदी और सीमा दीदी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, सब लोग एक दूसरे से खेलते हैं, मस्ती करते हैं। दीदी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हैं और यहाँ पे दीदी लोगों ने केक लाया था अपनी तरफ से बनी के लिए, और ये डेकोरेशन है और ये प्यारा सा चॉकलेट वाला केक है जो उसकी बड़ी मम्मा की तरफ से था। और बस तो यहाँ पे प्रखर की दादी प्रखर को टीका कर रही हैं क्योंकि इसके केक कटिंग की सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और केक प्रखर के पसंद का है, बहुत फेवरेट फ्रूट केक है और सच में वो बहुत टेस्टी था, मैंने भी खाया था तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस प्रखर को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और अच्छा लगता है जब बच्चा खुश होता है तो। और इसका टी शर्ट भी देखिए कितना प्यारा लगता है और इसका ना ये कलर और ये सब चीज़, ऑरेंज कलर, पीच कलर, पर्पल, ये सब कलर इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक्साइटेड है सारे फ्रेंड्स। जब हम लोग केक दे रहे हैं ना सारे बच्चों को तो कहते नहीं नहीं हमको ब्लू वाला चाहिए, ब्लू वाला। कुछ बच्चे कहते नहीं हमको चॉकलेट वाला चाहिए। ये अथर्व की दादी टीका कर रहे बड़ी, इनकी बड़ी मम्मा का बेटा है आदित्य, दोनों ही पत्थर वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है। और बस मैं शूट कर रही हूँ, सब बच्चे अपने में ही परेशान हैं, सारे लोग हर तरफ सबके फोन में सबके यहाँ पे केक कटिंग और दीदी को हिसाब भी काट रहे हैं और केक कट करके सारे बच्चों को प्लेटिंग करके देंगी वो।
अब सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि नहीं मुझे ब्लू वाला चाहिए, कोई कह रहा है चॉकलेट वाला चाहिए। तो केक तो बहुत ही ज़्यादा और यम्मी बहुत बहुत अच्छा था। छोले बनाए थे, पनीर बनाया था उन्होंने, और गुलाब जामुन तो आंटी बनाई थी, और वो पूरा पुलाव। तुम्हारे रिफ्रेशमेंट वाले बॉक्स में क्या क्या है? तुमने रिफ्रेशमेंट लिया? बॉक्स लिया है? बॉक्स आपके रिफ्रेशमेंट बॉक्स में क्या क्या है? मुझे चिप्स मिला था, ये मिला, ये मिला, ये मिला, चिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे म्यूजिकल चेयर गेम की तैयारी हो रही है, सारे बच्चों को म्यूजिकल चेयर पर खेलना है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बच्चे होते हैं ना, अगर बच्चों का पार्ट होता है तो इंजॉयमेंट बहुत चाहिए और बहुत ही मजा आया। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब खेला, अच्छे से खाया, प्रखर को भी सब लोग ढेर सारा गिफ्ट भी दिए, और प्रखर को सबसे अच्छा मामी का गिफ्ट लगा। वो भी कह रहा था कि मुझे तो मामी का गिफ्ट लगा, बहुत ही बर्थडे प्रखर।